गाइज, अगर आप भी YouTube पर बिना फेस दिखाए सिर्फ और सिर्फ फोटोज को यूज करके वीडियो बनाना चाहते हैं बट एडिटिंग कैसे करें इस बात को लेकर सैड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल फोटोज को आपस में कनेक्ट करके वीडियो बना सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स को देखा होगा जो सिर्फ फोटोज और नॉन कॉपीराइटेड फुटेज या वीडियोज को कनेक्ट करके वीडियो बनाते हैं और उनके वीडियोज पर अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं। सो गाइज, आज मैं आपको बिना अपनी शक्ल दिखाए फोटोज को कनेक्ट करके वीडियो बनाना सिखाऊंगा। Hey guys, this is Sonu and you are watching T4 channel. So without wasting any time, let's begin. वेल गाइज, वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे हम काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर बिना वाटरमार्क वाला अगर आपको काइनमास्टर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, देन ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एस्पेक्ट रेशियो होता क्या है। एस्पेक्ट रेशियो जैसे कि पहला दिया है 16:9। 16:9 बेसिकली जब हम किसी वीडियो को लैंडस्केप मोड में बनाते हैं, यानी कि लंबी वीडियो ज्यादातर जो YouTube पे अपलोड होती है वो 16:9 के रेशियो में होती है। 9:16 जब हम कोई शॉर्ट्स वीडियो या फिर रील्स बनाते हैं वो 9:16 में होता है, और Instagram के ऊपर कोई रील्स या वीडियोज वगैरह डालते हैं वो 1:1 के रेशियो में होता है। सो यहाँ पे आपको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एस्पेक्ट रेशियो, कहाँ पे आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा। सो आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है कि आपको किस किस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस भी या फिर फुटेज वगैरह या फिर इमेजेस वगैरह गूगल से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। सो मैं आपको बता दूं, गूगल से मेनली जितने भी आप फोटोज डाउनलोड करते हो उस पे नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से फोटोज तो यूज कर ही लेता हूं, फोटोज वगैरह पे यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता। रही बात वीडियो क्लिप की, तो वीडियो क्लिप अगर आप अपने वीडियो से रिलेटेड ढूंढना चाहते हो नॉन कॉपीराइटेड, तो उसके लिए आपको मैं दो सोर्सेस बताता हूं। एक पिक्सल्स एप्लीकेशन है और दूसरा पिक्साबे। यहां से आपको फोटोज भी मिल जाएंगे और वीडियोज भी मिल जाएंगे जो कि कमर्शियल यूज के लिए वहां पे अलाउ करते हैं वो लोग। वहां से आप वो सारे नॉन कॉपीराइटेड फुटेज और इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जिस तरह का आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पहले से मटेरियल जो है कलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहां से अपनी गैलरी से उन फोटोज को एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर लेना है। सुगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे क्रिकेट से रिलेटेड इमेजेस हैं। सपोज मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई टिप्स दे रहा हूँ या फिर किसी मैच के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो सिर्फ मैं अपनी वॉइस देने वाला हूँ और यहाँ पे मैं उन फोटोज को लेकर के, जैसे कि सारे के सारे मैं गूगल से ही डाउनलोड किया हूँ, सो इन सारे पिक्चर्स को मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा। पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे जो है हमारे सारे पिक्चर्स ऐड हो गए हैं। अब हमें इसकी एडिटिंग करनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइस ओवर करेंगे। वॉइस ओवर करने का मतलब क्या कि जो हम जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो हम अपनी वॉइस में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर पहले से कोई रिकॉर्ड कर रखे हैं हम तो वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ कि आपको वॉइस ओवर कैसे करना है और अगर पहले से रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप है कोई MP3 फाइल तो उसको यहाँ पे ऐड कैसे करना है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वॉइस ओवर कैसे करना है। सो यहाँ पे वॉइस ओवर करने के लिए सिंपली आपको ये डिस्क जो दिख रहा है राइट साइड में, इस पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अलाउ के लिए आएगा कि आप माइक्रोफोन जो आपका मोबाइल है या फिर माइक यूज कर रहे हैं उसको परमिशन यहाँ पे देना होगा। सो गाइस, जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वॉइस ओवर का ऑप्शन आने लगेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा जिसपे क्लिक करते ही आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। फिर आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बोल सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। सो यहां से मैं आपको अभी से प्ले करके दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां राइट पे क्लिक कर देना है कि मैंने जो वॉइस रिकॉर्ड की उसकी क्वालिटी कैसी है। वेल गाइज, यहाँ पे मैं अब जो बोल रहा हूँ वो वॉइस ओवर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। सो यहाँ पे जैसे ही आपका वॉइस ओवर हो जाए जो भी आपको बोलना है। सो गाइज, ऐसे ही आपको पहले वॉइस ओवर कर लेना है अपनी टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, जो कुछ भी बताना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को। यहाँ पे कोई गलती होती है तो आप अपनी वॉइस को ट्रिम भी कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको सीजर का ऑप्शन मिलता है ट्रिम का, यहाँ से आप कट कर सकते हैं कहीं पे गलती हुई है या फिर से दोबारा से, जहां अगर सपोज यहां तक आपने रिकॉर्डिंग किया अच्छे से और यहां पे आपने पॉज कर दिया तो फिर यहीं से आप फिर से वॉइस ओवर कर सकते हैं। यहां पे आपको प्ले हेड को लाना है एंड तक, ये रेड वाले लाइन को, और फिर से यहां रिकॉर्डिंग क्लिक कर वॉइस ओवर स्टार्ट कर सकते हैं।
सो गाइस वॉइस ओवर करने के बाद यहाँ से हमें इसे प्ले करना है और प्ले करते हुए हमें सुनना है अपने वॉइस को कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं। स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स थे वो ऐड कर लिए हैं, लेकिन ये पिक्चर जो है रैंडमली इधर उधर ऐड हुए हैं, तो हमें अपने वॉइस के अकॉर्डिंग, सपोज मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे बांग्लादेश की टीम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम जो होगी उसकी पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। सो ऐसे ही सपोज यहाँ पे मैं रैंडमली फोटोज ऐड करता हूँ तो अपने वॉइस को सुनते हुए इन फोटोज को अरेंज करूंगा। सो अरेंज करने के लिए सिंपली आपको सपोज इस फोटो की जरूरत पीछे है आगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको क्लिक करके थोड़ा देर होल्ड करना होगा तो ये ड्रैग होने लगेगा, आप जिधर भी चाहें उधर इस तरह से ड्रैग करके और इसको प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि आप किसी भी फोटोज को या फिर यहाँ पे आप वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने फोटोज ऐड किया यहाँ मीडिया पे क्लिक करके, और डायरेक्ट यहाँ से कोई वीडियो फाइल भी ऐड कर सकते हैं अगर नॉन कॉपीराइटेड अगर आपको मिल रहा है तो। अब रही बात, यहाँ से आप चाहें तो फोटोज की लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, सपोज इस फोटोज को ज्यादा टाइम तक दिखाना है तो इस फोटो की लेंथ को आप जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, एक ही फोटो जितना लंबा चाहे उतना कर सकते हैं। सो अब बात आती है कि हमारा बहुत बार अपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे फोटोज जो कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में अलग अलग ट्रांजिशंस डले होते हैं, एनिमेशंस डले होते हैं, एकदम स्मूथली वो एक फोटो के बाद दूसरा फोटोज, और वो फोटोज भी जो आते हैं वो जूम होते रहते हैं हल्के हल्के, ऐसा लगता है जैसे कि लाइव कोई वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे जो भी फोटोज हैं वो रुके हुए हैं, इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको मूवमेंट ऐड करना है, और देन जहाँ जहाँ फोटोज अलग अलग फोटोज ऐड हुए हैं, मतलब दो फोटोज हैं उनके बीच में देखिए यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, सो यहाँ पे आपको ट्रांजिशंस ऐड करना है। सो मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ सबसे पहले इस फोटो को जूम कैसे करना है। सो जूम करने के लिए सबसे पहले हम बारी बारी से पहले इमेज को सेलेक्ट करते हैं और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो ये हमारे पे स्टार्ट और एंड पोजिशन दो मिल जाता है, ये स्टार्ट पोजिशन है और ये एंड पोजिशन है। सो सबसे पहले हमें स्टार्ट पोजिशन पे क्लिक करना है और ऐसा हमें अपने फोटो को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से जूम करके, जितना बड़ा हमारा स्क्रीन है उसके बराबर कर लेना है। इसके बाद हमें एंड पोजीशन को क्लिक करना है और एंड पोजीशन को हमें थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना है कुछ इस तरह से, जितना हम जूम करना चाहते हैं, यानी कि स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन जो हमारा है वो ज़्यादा जूम होगा। उसके बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही राइट पर क्लिक करके मैं आपको यहाँ प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जूम होगा, अब धीरे धीरे इसके बीच में मूवमेंट आ गया है और ये धीरे धीरे जूम हो रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि हमारा वीडियो के फॉर्म में ये चल रहा है। ऐसे ही हमें दूसरे फोटो को भी सेलेक्ट करना है और यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ से जो हमारा फर्स्ट फ्रेम जो है ये तो ऑलरेडी फिक्स है, हमारा जो पूरा डिस्प्ले पे चिपका हुआ है, तो यहाँ सेकंड एंड पोजीशन पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लेना है, साइड में भी ऐसे कुछ कर सकते हैं, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो ये भी फोटो जो है धीरे धीरे जूम होने लगेगा कुछ इस तरह से। ऐसे ही हमें तमाम जितने भी फोटोज ऐड किए हैं सबको बारी बारी से सेलेक्ट करना है। जैसे इस फोटो को देखिए, ये फोटो जो है पूरे फ्रेम में फिक्स नहीं आया है, तो इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो स्टार्ट पोजिशन है इसको हम कुछ इस तरह से बराबर कर लेंगे, स्टार्ट पोजिशन को जितना है फ्रेम उतना ही बराबर करेंगे, और यहाँ एंड पोजिशन पे क्लिक करके इसको हम कुछ ज़्यादा ही जूम कर देंगे जितना हमें जूम करना होगा, और इस तरह करेंगे तो हमारा जो वीडियो यहाँ से प्ले होगा वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। सो गाइस ये तो था कि कैसे आप सभी फोटोज को जूम कर सकते हैं, उनको मूव करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी फोटोज हमने अलग अलग ऐड किए हैं उनके बीच में ट्रांजिशंस कैसे ऐड करना है। सो इसके लिए जैसे कि ये पहला फोटो है और ये दूसरा फोटो है, तो इनके बीच में जहाँ ये जॉइंट है यहाँ पे एक ऐड का सॉरी प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले में यहाँ पे ट्रैवल अलग अलग ट्रांजिशंस हैं, तो इस पर क्लिक करके अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो जो मेरा दूसरा फोटो शुरू होगा वो कुछ इस तरह से एक मतलब ट्रांजिशन के साथ शुरू होगा, जो कि काफ़ी मतलब प्रोफेशनल बना देता है वीडियो को। ये ट्रांजिशन अगर फास्ट है तो यहाँ से आप इसकी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, स्लो या फिर यहाँ पे फास्ट भी कर सकते हैं इस ट्रांजिशन को, यहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इस वाले ऐड वाले आइकन पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई दूसरा इस बार करेंगे ट्रांजिशन ऐड, जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह का ट्रांजिशन मिल जाता है। फिर ऐसे ही तीसरे पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बार कुछ और अलग ट्राई करते हैं, ये वाला ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्लासिक ट्रांजिशंस भी मिलते हैं,
जो कि कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। सो ऐसा करके आप सभी जो इमेजेस हैं उनको एक तरह से लाइव इमेज और वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में जोड़ करके। रही बात आजकल बहुत सारे देखे होंगे लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, सो वो क्या करते हैं एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अपना वॉइस ओवर करते हैं और साथ में उससे रिलेटेड इमेज या फिर फुटेज को लगा के और बहुत ही मजेदार वीडियो बना देते हैं। और उनके वीडियोस पे जाके देखना मिलियंस में लाइक आए हुए होते हैं, व्यूज की तो पूछो ही मत कितने व्यूज आते हैं। और जिनके अंदर ये डाउट है कि अगर हम खुद को नहीं दिखाते तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब हमें पैसा नहीं देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना कंटेंट बनाओ, आप अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, भले आप खुद को दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपको भी पैसे मिलेंगे। आप देख सकते हो मैं अभी आज तक कभी भी फेस कैम वीडियो नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल और स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस बनाता हूँ। सो फिर भी हमारा चैनल मोनेटाइज है और मैं बहुत समय से पैसे भी अर्न करता हूँ। अब गाइज मैं उनके लिए बताता हूँ जो बाहर से MP3 यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। सपोज वो बाहर से ऑडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सपोज वो वॉइस ओवर नहीं करना चाहते हैं, बाहर से ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको फोल्डर का सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाता है, फोल्डर पे क्लिक करके आपके गैलरी में जहाँ भी आपने जो MP3 रिकॉर्ड किया है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फोल्डर नजर आएंगे, उस फोल्डर को सेलेक्ट करके आपको वहाँ से MP3 को सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इस फाइल को यहाँ पे ऐड कर लिया, तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ये फाइल, तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने वॉइस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे आपने वीडियो में देखा होगा कि वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक डाले जाते हैं, सो बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना चाहते हैं अपने फोल्डर से या फिर काइनमस्ट एप्लीकेशन का खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको जितने भी यहाँ पे मिलेंगे सब नॉन कॉपीराइटेड मिलेंगे। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। अब ये काइंड मास्टर का ऑडियो सपोज सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल के लिए सभी ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग और भी बेहतर सा कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सपोज ये वाला जो है मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये मेन म्यूजिक है, मेन मेरा ऑडियो क्लिप, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। सो बैकग्राउंड म्यूजिक की जो साउंड इंटेंसिटी होगी वो तो कम होनी चाहिए हमारे मेन ऑडियो से। सो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ स्पीकर पे क्लिक करके जो 100% यहाँ पे वॉल्यूम है इसको कम करके अराउंड 15-20 के बीच में रखना है, जिससे कि हमारा जो ऑडियो है वो ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है। सो ऐसे करके आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो बन जाने के बाद उसको सेव कैसे करना है। सो सेव करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे एक एरो का साइन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे कम यहाँ पे 360p है और सबसे हाई आप 4K तक का सेव कर सकते हैं। ये मैं काइनमास्टर का प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ, मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्रोसेस बनाया, एक वीडियो बताया है जिसमें आप प्रो वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। सो उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं बिना वाटरमार्क के, वो वीडियो देख लेना आप अगर आपको चाहिए तो। तो यहाँ से हम कर लेंगे 720 या 1080p में, जो कि अच्छी क्वालिटी होता है, यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे 1080p करने के बाद यहाँ जो बीट रेट है इसको हाई कर लेना है अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो। लो करेंगे तो कम MB में भले आपका फाइल सेव होगा लेकिन अच्छी क्वालिटी में नहीं होगा, हाई करेंगे तो थोड़ा सा फाइल साइज बड़ा होगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी। 1080p या 720p आपको कर लेना है। यहाँ से जो FPS है फ्रेम रेट उसको आपको 30 रखना है, यानी यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइज होप कि अब आपको भी YouTube पे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिना फेस दिखाए आप भी वीडियो बना सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया हो, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।